about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is AC Tuber, and आज मैं हम और एक मेरे Interceptor 650 का वीडियो लेके आई एम. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि राइड के वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप एक बार सुबह के 8:30 क्रॉस कर चुके तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है एंड राइड में बिल्कुल मज़ा नहीं आता. सो जैसा कि आपको इस वीडियो के सब्जेक्ट लाइन से पता चल गया होगा दैट आई हैव कंप्लीटेड सर्विसिंग माई इंटरसेप्टर 650, जिसका ये रिसीट है मेरे हाथ में, एंड इसकी सर्विस क्वालिटी, सर्विस डिटेल्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट सर्विस में इंटरसेप्टर 650 के होता क्या क्या है. इसके लिए कंप्लीट करना पड़ता है आपको फर्स्ट 500 किलोमीटर्स, एंड कुछ काम से मैं गया था पूना, एंड मेरा फुल प्लानिंग था कि मैं एक ब्लॉग बनाऊं, और जाते जाते मैं एक पूरा कैप्चर करूं पूरा मेरा जर्नी एंड अच्छा सा एक ब्लॉग प्रेजेंट करूं. बट इस गर्मी के चक्कर में बैंड ऐसी बजी कि मैं ब्लॉग तो बना ही नहीं पाया. जब मैं मुंबई से निकला और लोनावाला तक पहुँचा, लोनावाला तक पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई, एंड उसके बाद डिहाइड्रेशन एंड ऑल होने के बाद, क्योंकि टेम्परेचर तभी जा चुका था, जब तक मैं पूना पहुँचा इट वॉज 42 degrees एंड ट्रैफिक के अंदर चलाना पड़ा. सो आई एम सॉरी कि राइड के वीडियोज़ आएंगे, पक्का आएंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर घट जाए. आप देख लीजिए तब तक ये फुटेज, एंड गालियाँ मत दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया. फिर हम बात करेंगे इस इंटरसेप्टर 650 के सर्विस, फर्स्ट सर्विस के बारे में कि कैसा सर्विस था एंड क्या क्या ये चेंज करते हैं. सी यू इन सम टाइम. आज रास्ते काफ़ी खाली है एंड आज एक पब्लिक हॉलीडे है, तो मज़ा आ रहा है और भी राइड करके. अब तक इंटरसेप्टर इतनी गर्म हुई नहीं है, मैं इसको रख रहा हूँ अराउंड 60-80 के बीच में, क्योंकि अभी तक इसका फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं है एंड आई हैव जस्ट क्रॉस 100 किलोमीटर्स ऑन माय इंटरसेप्टर. सो राइट में मेरे ये जा रहा है एक्सप्रेस वे, वेयर ऑल दी फोर व्हीलर्स, ट्रक्स, बस, जो भी बड़ी गाड़ियाँ हैं, दोज आर अलाउड. एंड सीधा मैं जब आ गया, दिस इज द रूट टू ओल्ड पुणे रोड, तो दिस इज द राइट टर्न यू नीड टू टेक. फर्स्ट जो एक राइट टर्न गया आगे, यू हैव टू लीव दैट, वो वाला आपको नहीं लेना है, वो पनवेल सिटी घुसता है. ये राइट टर्न आप लेके अगर सीधा सीधा चलते रहोगे देन यू विल गेट द ओल्ड पुणे रोड. सो देयर इज एब्सोल्युटली मिनिमम और जीरो वाइब्रेशंस आई वुड से while riding or while stand still on this Interceptor 650. मुझे ज़रा भी फुट पेक्स या हैंडल बार या कहीं पे भी ज़रा भी वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रहा है, whether I am on 20 का स्पीड या 80 का स्पीड.
80 के ऊपर तो आज मैंने लिया नहीं, खैर मैं लूंगा भी नहीं, क्योंकि जब तक इसकी फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हो जाती आई नॉट टेक बियॉन्ड 80. वेरी स्टेबल, वेरी कंफर्टेबल एंड वाइब्रेशन नहीं है, तो राइड में टायर्डनेस का फील भी नहीं हो रहा है. कुछ लोगों को मैंने देखा कि हैंडल बार्स को राइज किया है, चेंज किया है. हाउएवर आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई एम फीलिंग सुपर कंफर्टेबल विद दिस हैंडल बार्स व्हाट आरी हैज प्रोवाइडेड. सो काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में इसको. थोड़ी सी हैवी है बाइक बट आई डोंट फाइंड इट अ बिग इशू बिकॉज ऑफ रोडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अगर करना पड़े तो आई डोंट थिंक ट्वाइस, मैं कर लेता हूँ ऑफ रोडिंग. ऑफ रोडिंग के लिए बाइक थोड़ी सी हैवी है बिकॉज इसको बंद गाड़ी को इसको पुल करना या पुश करना काफ़ी तकलीफ दे है. सो आई हैव जस्ट क्रॉस रसायनी एंड पुणे इज अनदर 92 किलोमीटर. एब्जॉर्बर इंटरसेप्टर के मुझे थोड़े से ज़्यादा फ्री लगे, थोड़े से ज़्यादा इजी लगे. उसको मुझे थोड़ा सा टाइटन करना पड़ेगा. आई नीड टू मेक इट ऑन हार्ड सस्पेंशन रेदर देन सॉफ्ट सस्पेंशन, क्योंकि सॉफ्ट सस्पेंशन में हो ऐसा रहा है कि जब भी कुछ गड्ढे वगैरह या ऐसा कुछ भी आ रहा है सो द बाइक इज टेकिंग them very soft and zyada bounce ho rahi hai bike. I hope you understand what I am saying. So uske wajah se sometimes high speed mein thodi si dikkat ho rahi hai because wo aap upar niche ho rahe ho. Rest abhi tak bike mujhe ekdam smooth hai, engine kafi achhi hai, vibration nahi hai and enjoying the road. What else? रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है बाइक का, मेनी पीपल आर नोटिसिंग इट. सो ऑन दी घाट रोड्स मुझे ये फील हो रहा है ये घाट का रास्ता चढ़ते हुए कि इसका जो टॉर्क है इट इज सपोर्टिंग दी बाइक. डेफिनेटली बहुत हैवी टॉर्क है एंड आप सेकेंड गियर में भी ऐसे घाट स्टीप घाट चढ़ सकते हैं, नो वरीज ऑन दैट. बट क्योंकि मैं KTM Duke 390 2017 मैं चला रहा था, वो गाड़ी से मैं ये गाड़ी में शिफ्ट हुआ हूँ, सो आई कैन फील कॉर्नरिंग. जो कॉर्नरिंग है जो KTM Duke 390 में जो यूज था, बिकॉज इट इज़ अ हैवी वेटेड बाइक, सो वो कॉर्नरिंग इशू थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स टायर्स
और मे बी बिकॉज ऑफ इट्स वेट, क्योंकि ये सब कॉर्नर केटीएम युक्त है एंटी में, आई यूज्ड टू जस्ट लीन अ बिट एंड वो सड़क से एकदम स्ट्रेट चढ़ जाती थी. इन दिस आई नीड टू मैनेज द वेट. वो एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग यूज टू दिस बाइक. घाट चढ़ते ही टेम्परेचर फिर से फॉल हो गया. अभी काफी कम हो गया टेम्परेचर फिर से, बट जैसे ही ये घाट का रास्ता खत्म होगा अगेन द टेम्परेचर विल राइज. इंटरसेप्टर को घाट में कैसे चलाना है उसका थोड़ा सा जजमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इट इज नॉट बिहेविंग लाइक ड्यूक 390. एंड ऑल्सो मैंने ड्यूक 390 को काफी घाट्स में ही चलाया है. बट इसका जो टॉर्क है दैट इज डूइंग सम ऑसम थिंग्स. इसका जो टॉर्क है ये आपको बिल्कुल एहसास नहीं कर रहा था कि ये लैग करेगा या ऐसा कुछ करेगा. बहुत जबरदस्त चल रहा है. हार्ड रास्ता ऑल्सो इट पुल्स. अगर आप इसको थोड़ा भी एक्सेलरेट करेंगे द बाइक पुल्स यू. सो आई जस्ट स्टॉप देयर. ये आपको लोनावला जब आप जाते हो तब आपको यही रूट लेना है. एंड यहाँ के व्यूज बहुत असम लगते हैं यहाँ से पूरा आप देखिए. एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 बज रहे हैं एंड धूप ऐसी लग रही है जैसे दोपहर के कुछ 12 के आसपास बजने आए हैं. सो प्लान ऐसा था कि मैं जाऊंगा टाइगर पॉइंट एंड टाइगर पॉइंट जाके थोड़ा सा एंड टाइगर पॉइंट जाके थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड करके देन पुणे की तरफ निकल जाऊंगा. बट ये धूप देखते हुए लग नहीं रहा है कि मैं टाइगर पॉइंट अब जाऊंगा. मे बी वाइल रिटर्निंग आई लीव अ लिटिल बिट अर्ली. बट सो दिस इज द इंटरसेप्टर. दिस इज माय सेटअप. मैंने राइनॉक्स का ये टैंक बैग इसको पीछे बांधा हुआ है बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल दी टैंक. एंड दैट्स इट. सो आगे चलते हैं. सो यहाँ तक जो आपने देखा दैट वॉज इट. मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि व्लॉग ये जो मोटो व्लॉग है माई फर्स्ट मोटो व्लॉग ऑन माई इंटरसेप्टर 650 जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं जा रहा है. एंड अगर किसी चीज़ को बनाते हुए मुझे खुद को मज़ा नहीं आ रहा है तो आप जब व्यूअर्स इस चीज़ को देखेंगे तो आपको भी मज़ा डेफिनेटली नहीं आएगा. तो मैंने उधर व्लॉगिंग स्टॉप कर दी. थोड़े बहुत जो फुटेज थे क्योंकि ये फर्स्ट राइड था, फर्स्ट लॉन्ग राइड ऑन माई इंटरसेप्टर, सो दिस इज़ अ मेमोरेबल थिंग. बट नो वरीज, राइड्स तो डेफिनेटली होंगे ही, बस थोड़ी सी गर्मी घट जाए. तो अभी बात करेंगे कि इंटरसेप्टर 650 के फर्स्ट सर्विस में ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से वो क्या क्या चेंज या क्या क्या चीज़ें इसमें परफॉर्म करते हैं. पहले ही मैं बता दूं कि मैंने सर्विस स्टेशन के अंदर का कोई फुटेज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज मैंने कोशिश की थी वहाँ पर वीडियोज़ लेने की,
लेकिन जो सर्विस स्टेशन गाइज है, जो सर्विस स्टेशन में काम करते हैं, जो वहाँ के सुपरवाइज़र है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये हमारा वर्क प्लेस है एंड अगर आप इसका वीडियो ना ले तो बेटर है, बिकॉज कंपनी की तरफ से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि आप सर्विस स्टेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई कंटेंट ना बनाएं। सो ऑल डू रेस्पेक्ट, कोई अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, जो मैंने किया। एंड डेफिनेटली मैंने उधर अंदर की वीडियो नहीं बनाई, बट मेरे पास जो है दैट इज़ दिस स्लिप। ये स्लिप जो है ये कहता है, ये स्लिप क्या कहता है कि ये लोग करते हैं चेन ड्यूब, जिसमें 150 ml का एक बॉटल दिया जाता है। मैं आपको वो बॉटल भी दिखा देता हूँ। रॉयल इनफील्ड की तरफ से जो वो लोग चेन ड्यूब करते हैं, उसके बाद ऐसा एक तो बॉटल होता है जो कि रॉयल इनफील्ड का ही चेन ड्यूबिंग बॉटल है, ये आपको दे दिया जाता है यूज़ करने के बाद। और इसको आप हिलाएंगे तो अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि इसका क्वांटिटी क्या है वो सब चेक कर सकते हैं। एंड बिफोर यू यूज़ इट, इट नीड्स टू बी शेक्ड प्रॉपरली। सो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि उन्होंने यूज़ करके अपने पास नहीं रख दिया, कस्टमर को दे दिया। तो 150 ml का ये बॉटल है, जिसका कॉस्ट लिया उन्होंने करीबन 185 रुपीस। चेन क्लिनजर, चेन क्लीनिंग किया वो लोग ने। देन 10W50 API SL, दैट इज सिंथेटिक ऑयल, फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ किया है, विच इज 3.1 liter। 3.1 liter का फुल सिंथेटिक ऑयल जो स्पेसिफिकली इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 के लिए कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, या किसी के कोलेबरेशन के साथ बनाया होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो ये यूज़ करते हैं। एंड वो पूरा का पूरा 3.1 liter का ऑयल चेंज करते हैं। एंड दिस इज टू बी डन फॉर फर्स्ट 500 किलोमीटर्स, उसके बाद ऑयल चेंज होगा सीधा 10,000 किलोमीटर्स क्रॉस करने के बाद। सो 10,000 किलोमीटर्स का जो सर्विस ड्यूरेशन है दैट इज़ प्रिटी लॉन्ग, और काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है कि अगर आप लंबा टूरिंग करने का सोच रहे हैं, और आपका अगर नियर अबाउट 7,000 to 8,000 किलोमीटर का टूरिंग है, तो एक बार आप ऑयल चेंज करेंगे तो दूसरी बार आपको ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिल योर राइड एंड्स। दूसरा जो उन्होंने चेंज किया दैट इज़ दी ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल का जो एक फिल्टर होता है वो कम्प्लीटली उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उसका कॉस्ट था 450 रुपीज़। देन सिलेंडर हेड कवर कैस्केट, गैस्केट सिलेंडर का जो हेड होता है, सिलेंडर हेड होता है, गैस्केट होती है, उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया। एंड वो गैस्केट का कीमत था 569 रुपीज़। सो ये लगभग जो मेन पांच चीज़ें हैं ये उन्होंने की। इसके अलावा जो उन्होंने चेंज की है दैट इज़ दी सीलेंट चार्जेस, इंटरसेप्टर एंड GT 650 का सीलेंट चार्जेस। ये सीलेंट चार्जेस एग्जैक्टली क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, बट इट कॉस्टेड अराउंड 75.52 रुपीज़। एंड दूसरा जो है कंज्यूमेबल चार्जेस फॉर सर्विस, जो भी कंज्यूमेबल चार्जेस मतलब कुछ वहाँ के जो प्रीमाइसेस है रॉयल एनफील्ड का, उसका जो भी फैसिलिटी मैंने ली, मैं बैठा हुआ था सर्विस पूरा देख रहा था कैसे वो लोग सर्विस को परफॉर्म कर रहे हैं, शायद कंज्यूमेबल चार्जेस फॉर सर्विस विच इज़ फॉर दी वर्कर्स वहाँ पे जो है उनके लिए, सो दैट कॉस्टेड 118 रुपीज़। टोटल जो मेरा सर्विस कॉस्ट हुआ दैट कॉस्टेड अराउंड 3446। यस, टोटल कॉस्ट ऑफ माय इंटरसेप्टर का फर्स्ट सर्विस वाज 3446। एंड 3,500 में के अंदर एक 650cc गाड़ी का, एक 650cc बाइक का अगर सर्विसिंग हो रहा है, देन आई थिंक इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी नाइस एज कम्पेयर टू दी अदर बाइक्स जो इतने हाई सीसी की बाइक्स है। तो लगभग आई एम हैप्पी विद दिस सर्विस, जो आफ्टर सर्विसिंग
प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था कि इनिशियली इंटरसेप्टर काफ़ी गर्म हो रही थी, बट फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद उसका जो गर्म होने का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका है। एंड अभी भी गाड़ी गर्म तो डेफिनेटली होती है, यस गाड़ी गर्म होती ही है क्योंकि बड़ा इंजन है, बट जो हीट लेवल जब मैं पुणे गया था और पुणे से मैं जब रिटर्न आया, वो जो हीट लेवल जनरेट होती थी अभी उतनी हीट लेवल जनरेट नहीं होती है। ये मैं फर्स्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है आफ्टर सर्विसिंग कि क्या चेंजेस हुए हैं मेनली, और गाड़ी तो नई गाड़ी स्मूथ थी ही, इंजन ऑयल वगैरह चेंज करने के बाद और थोड़ी स्मूथ हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने जब पुणे का राइड किया देन आई वॉज राइडिंग अराउंड 70 to 80 या फिर मैक्स 90। अभी मैं इसको ट्रिपल डिजिट्स में भी लेके जाऊँगा एंड आई विल शेयर दी एक्सपीरियंस कि ट्रिपल डिजिट्स में भी ये बाइक कैसी फील करती है, बिकॉज ये बाइक मैं ओन करता हूँ। सो डेफिनेटली आई विल गिव यू द करेक्ट एंड जेन्युइन फीडबैक ऑफ द बाइक। हाँ, जितना मुझे पता है कि डेफिनेटली ये बाइक इट इज़ केपेबल ऑफ टचिंग 160-170 किलोमीटर्स पर आवर, बट टूरिंग के लिए वो स्पीड में कोई नहीं चला था। जनरल स्पीड बिटवीन 80-120 इज इनफ फॉर टूरिंग, एंड मैं इस बाइक से टूर करूँगा, इसके लिए इस बाइक को मैंने ख़रीदा है। सो दैट्स इट, आई होप लगभग आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो खुल के डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा था बट वो नहीं बन पाया, होता है ऐसा, हर बार जो जैसा आप चाहते वैसा नहीं हो पाता। सो एकदम गंदे से ब्लॉग बनाने से बेटर है कि मैं ब्लॉग ना बनाऊँ और जब बनाऊँ तो अच्छे क्वालिटी के ब्लॉग्स बनाऊँ, ताकि मैं खुद एंजॉय करूँ एंड जो व्यूअर्स है जैसे कि आप है वो भी एंजॉय कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट अ लाइक इफ यू हैव रियली लाइक्ड इट, हिट अ डिसलाइक खोल के, नो प्रॉब्लम। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय फ्रॉम माई सिटी ओवर, टेक केयर, राइड सेफ, राइड लॉन्ग। Oh, come on and let's go, let's be free with me. Yeah, be free, be free, be free.